जय हिंद। आपको मैं बता दिया हूँ पीछे दीपू कैसे जाएं और सुखोवी में, और फिर इसके बाद आप चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपका जो थर्ड माइल दीमापुर सेंटर बना हुआ है या थर्ड माइल दीमापुर सेंटर पर आप कैसे पहुँचेंगे। थर्ड माइल दीमापुर सेंटर के लिए आपको क्या करना होगा, वहीं पर आपको ये सुखोवी वाले और ये थर्ड माइल वाले एक ही स्टेशन पर उतरना है। इन दोनों लोगों को कौन सा स्टेशन है, दीमापुर। दीमापुर से उतरने के बाद आपको क्या करना है, ये थर्ड माइल वाले वहाँ से आप ऑटो करिएगा, ऑटो लेगा भैया बहुत गड़बड़ ये सब करते हैं ऑटो वाले, आपका 70-80 रुपया से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ले लेते हैं और फिर बढ़ा भी देते हैं, बैठने के बाद बढ़ा भी देते हैं। और रात में आप सफ़र कर रहे हो तो मैं जाना था 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का 200 रुपया लिया था, 200 रुपये आपको एक तरीके से रिजर्व करके ले जाते हैं। 5 किलोमीटर का 200 रुपया सीएनजी गाड़ी, दो 5 किलोमीटर में आपका सीएनजी का रेट कितना, इसमें 80 होगा, 80-85 जो भी होगा, 80-85 रुपया। देखो क्या एक किलो सीएनजी इनका क्या मतलब, क्या एक बोलेंगे अब पा जाते हैं मजबूरी, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है, तो आप मजबूरी में हो करके हमें वहाँ घर थोड़ी न बसाना, अब क्या करेंगे, अब इतना महंगा है और ज़्यादा पैदल भी नहीं चल सकते हैं। तो वही है कि आप अपना देख लीजिएगा, वहाँ से 4-5 किलोमीटर है, स्टेशन से उतरिएगा, अपना आराम से चले जाइएगा दीमापुर थर्ड माइल दीमापुर सेंटर पे, और जाके वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए वैसे ही मिलेगा, आप जा करके स्टे करके रहिएगा और भर्ती को निकालिएगा, और कुछ भी होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर दीजिएगा, मेरे लोग आईडी नीचे आ रहा है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं, आप लोगों के मैं साथ हूँ, और आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर जा रहे हैं कि कहीं से हो, असम से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, जहां से भी होंगे आप लोग टेक्स्ट करके बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद। ये जो लास्ट में वीडियो आ रहे हैं इन वीडियोस को देख लीजिए। ओके, जय हिंद।